अभी देखिए किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना के 6,000 रुपए किसानों को मिलते थे, हमारी सरकार भी 6,000 रुपए उसमें बढ़ाकर 12,000 रुपए किसानों को दे रही है। किसानों के खेती पर या उनके फसलों पर जब नैसर्गिक आपत्ति आती है तो NDRF के जो कानून है, नियम है, उससे 3 गुना ज्यादा मदद महाराष्ट्र सरकार किसानों को देती है। किसानों के लिए बहुत सारी आंकड़े नहीं जारी करने के क्या वजह होंगे, इसके आंकड़े बोल रहे हैं किसानों के मौत के मामलों के जो आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र से नहीं आते हैं। अभी देखो ये किसानों की भी आत्महत्या के आंकड़े रिकॉर्ड पर ही रहते हैं। अरे जो उसके लिए जो भी किसानों की क्या बोलते कर्ज अंक पर होने की वजह से या फसल पे कुछ नुकसान होने से जो भी किसान लोग आत्महत्या करते हैं तो उनका उनको मदद हमारी सरकार देती है और उनके आंकड़े भी जाए जी छत्तीसगढ़ पर अन्याय नहीं होता। मोदी जी का नारा यही है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये नारे के साथ। देखो मैंने पहले बोला कि विपक्ष को ये बजट के बारे में उनको बोलने के लिए मैंने यहाँ पर 2014 के पहले 10 साल के आंकड़े गिनाए और 14 से 24 के साल 10 साल के भी आंकड़े यहाँ पर गिनाए। लगभग वो बजट जो देते थे उनसे 3 गुना ज्यादा बजट ये सरकार ने दिया है। 14 के पहले उनका 2014 का बजट 16 लाख करोड़ का था, ये 2024 का हमारा बजट 48 लाख करोड़। मलेरिया से मौत हो रही है। अभी देखो हमारी सरकार ने टेली मेडिसिन के ऊपर भी बहुत सारे हम काम कर रहे हैं कि हमारे गांव के हॉस्पिटल में प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो होते हैं हमारी PSC वगैरह होती है, वहाँ से भी टेली मेडिसिन के माध्यम से अति बड़े शहरों के बड़े डॉक्टरों से संपर्क करके हम गांव में भी अच्छी तरह से इलाज वो पेशेंट के ऊपर हम कर सकते हैं। ये बजट हलवा है ऐसा विपक्ष